बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म तुम बिन में नजर आए एक्टर्स ने उस दौर में सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि फिल्म के बाद इसके लीड एक्टर्स को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाए और धीरे धीरे सभी लाइमलाइट से दूर होते गए। कुछ सालों पहले राकेश बापट बिग बॉस में आने की वजह से सुर्खियों में रहे थे, तो वहीं अब इस फिल्म के एक्टर हिमांशु मलिक अपने एक चौंकाने वाले खुलासे को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने बॉलीवुड की डार्क साइड को लेकर खुलकर बात की है। हिमांशु ने फिल्म तुम बिन में अभी का किरदार निभाया था, वहीं इसके कुछ समय बाद वो एक्टर से डायरेक्टर बन गए थे। अब वो कैमरे के पीछे काम करते हैं। उन्होंने ई टाइम से बात करते हुए कहा कि उन्हें करियर के शुरुआती दौर में एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर का नाटक करने के लिए कहा गया था। ये सब नाटक उन्हें इसलिए करना था ताकि वो खबरों में बने रह सकें। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, मैं हैरान था ये जानकर कि ऐसी चीजें भी होती हैं। मुझसे कहा गया कि ऐसी पब्लिसिटी के बिना कोई भी एक्टर स्टार नहीं बन पाता है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें एक मशहूर पब्लिकेशन से कॉल आया और कहा गया कि वे लोग गोवा में एक एक्ट्रेस के साथ उनका कमरा बुक करेंगे और फिर उन्हें एक्सपोज करने का नाटक करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बढ़िया स्टोरी बनेगी और वो कई महीनों तक चर्चाओं में रहेंगे। हिमांशु के इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री में पब्लिसिटी पाने के लिए इसी तरह के कई स्टंट्स किए जाते हैं। आपको बता दें कि अभिनव सिन्हा की फिल्म तुम बिन में लीड किरदार निभाने वाले हिमांशु अब डायरेक्टर बन चुके हैं और उनकी फिल्म चित्रकूट 20 मई को रिलीज हो चुकी है। एक्टर डायरेक्टर होने के साथ साथ वो राइटर भी हैं। आपकी इस स्टोरी पर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।